भांजियों का कौन हूं? नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यूं ही मामा नहीं कहा जाता। उनकी सरकार सूबे की तमाम बेटियों के लिए कई योजनाएं चला रही। इन्हीं में से एक योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, जिसके जरिए सरकार बेटियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देती। साल 2007 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने ही इसकी शुरुआत की थी और रविवार को खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ही लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की, जिसके तहत 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बेटियों को सरकार 25,000 रुपए देगी। मेरी बेटियों, आज लाडली लक्ष्मी उत्सव है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज भी आर्थिक तंगी की वजह से तमाम बेटियां 12वीं के बाद की आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती। लेकिन अब बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने रविवार को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कर दिया, जिसके तहत 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए सरकार 25,000 रुपए की मदद करेगी। 12,500 रुपए की पहली किश्त कॉलेज में एडमिशन के वक्त दी जाएगी, जबकि 12,500 रुपए की दूसरी किश्त ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मिलेगी। एक तो आज हम ये तय कर रहे हैं डॉक्टर बनने में, प्राइवेट कॉलेज में अगर पढ़ी मेडिकल कॉलेज में तो 8-7 लाख रुपया हर साल फीस देनी पड़ती है। सब दे सकते हैं क्या? सब दे सकते हैं क्या? लेकिन डॉक्टर बनना है तो फीस कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, फीस कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये लाडली लक्ष्मी 2 है। सुनो बेटियों, अब जो 12वीं पास करके कॉलेज में जाएंगी, एडमिशन लेंगी, उनको 25,000 रुपया अलग से दिए जाएंगे। कितने रुपया? और 2 किस्तों में एडमिशन लेगी तब 12,500। और पढ़ाई पूरी कर ले, मतलब ग्रेजुएशन कर ले, 2 साल का कोर्स हो 3 साल का, तो उसके बाद 12,500। ठीक है, तो कोई कॉलेज तो नहीं छोड़ोगी? 25,000 रुपए तो सिर्फ स्नातक की पढ़ाई के लिए सरकार देगी। अगर कोई बेटी मेडिकल, आईआईटी या आईआईएम जैसे संस्थानों में एडमिशन लेगी तो उसकी फीस भी खुद मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार भरेगी। अब दूसरी बात, क्या अगर ज्यादा फीस लगी तो मामा क्या करेंगे? 12,500 और 12,500, 25,000 में तो छोटी मोटी पढ़ाई हो जाएगी। तो आज पूरी देश सुन ले, पूरा प्रदेश सुन ले, लाडली लक्ष्मी बेटियों के माता पिता सुन ले, सुन रहे होंगे मुझे। मेरी बेटियों को पढ़ाना, पढ़ाई में कोई कसर मत रखना। डॉक्टर बनेगी पीएमटी की, आपके नीट की परीक्षा देके, क्लैट की परीक्षा देके, अगर किसी लॉ कॉलेज में पढ़ाई करेंगी, इन बेटियों का एडमिशन आईआईटी में हो, चाहे आईआईएम में हो, चाहे किसी वैज्ञानिक संस्थान में हो, कहीं भी हो, सारी दुनिया सुन ले, बेटियों का मामा ये कह रहा है तो उनकी पढ़ाई की पूरी फीस मामा भरवाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का ऐलान करते वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान इतने भावुक हो गए कि यहाँ तक कह दिया कि मेरी लाडली आगे बढ़े, हे भगवान, मेरी लाडली बेटियों के पाँव में कभी कांटा ना चुभने पाए, इनके होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, कभी आंखों में आंसू ना आए, यही मामा की दुआ है। हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, मेरी लाडलियां आगे बढ़े, और प्रदेश भर की लाडली बेटियों को कहना चाहता हूँ, चिंता मत करना, मामा तुम्हारे साथ है। और भगवान से आज यही प्रार्थना है कि मेरी बेटियों के रास्ते में कोई कांटा ना बचे, इन्हें हमेशा सुखी रखना, निरोग रखना, इनका मंगल करना, इनका कल्याण करना। हे भगवान, मेरी लाडली बेटियों के पाँव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए, इनके होठों पे हमेशा मुस्कुराहट रहे, कभी आंखों में आंसू ना आए, यही मामा की दुआ है। मेरा बस चले तो अपनी जिंदगी भी अपनी बेटियों को दे दूं, तुम खुश रहो तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक है। तुम आगे बढ़ो, मेरी जिंदगी सार्थक और सफल हो जाएगी,
इसलिए ये लाडली लक्ष्मी योजना है मेरी बेटियों। शिवराज सरकार ने यह भी ऐलान किया कि जिस पंचायत में लाडलियों का सम्मान होगा, जहां एक भी बाल विवाह नहीं होगा, लाडली बेटियों का 100% प्रवेश होगा, कोई लाडली कुपोषित नहीं होगी और कोई भी बालिका अपराध घटित नहीं होगा, ऐसी ग्राम पंचायतों को लाडली लक्ष्मी पंचायत घोषित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को हम जो लाडलियों का सम्मान करेगी, एक भी बाल विवाह नहीं होगा, लाडली बालिकाओं का सालाना 100% प्रवेश होगा, सभी बेटियों का टीकाकरण होगा, कोई लाडली कुपोषित नहीं रहेगी और कहीं भी बालिका अपराध घटित नहीं होगा, ऐसी पंचायतों को लाडली लक्ष्मी पंचायत घोषित किया जाएगा। मामा की यही तुमसे अपील और प्रार्थना है कि मेहनत से पढ़ना और आगे बढ़ना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। बेटियों की पढ़ाई में आर्थिक मदद करने का ऐलान करने के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान किसी अभिभावक की तरह बेटियों को संस्कार के पाठ पढ़ाना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा, मैं लाडली बेटियों से एक अपील करना चाहूंगा कि अपने माता और पिता की हमेशा इज्जत करना, सम्मान करना। तो मैं एक अपील लाडली लक्ष्मी बेटियों से करना चाहूंगा कि अपने माता की और अपने पिता की, पापा की हमेशा इज्जत करना, सम्मान करना। सब करेंगी, उनकी बात मानेंगी। आपको बता दें, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म से अगले 5 साल तक हर साल 6,000 रुपए उसके नाम से सरकार जमा करती है, यानी 5 साल में 30,000 रुपए जमा होते हैं और 6ठी क्लास में एडमिशन लेते वक्त 2,000 रुपए, 9वीं में एडमिशन लेने पर 4,000 रुपए, जबकि 11वीं में एडमिशन लेने पर 7,500 रुपए दिए जाते हैं और 21 साल की उम्र पूरी कर लेने पर बेटियों को 1,00,000 से ज्यादा का भुगतान किया जाता है। और अब लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत बीए की पढ़ाई के लिए भी 25,000 रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। मैं ठीक हूँ बेटी, आज कार्यक्रम में आई थी आप? सुना था मुझे। अच्छा, अब पढ़ाई आप ठीक से करना, है ना, फीस की तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना, समझ गई ना मेरी बात, कौन भरवाएगा फीस? इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं बेटी, तुम्हारी ये पढ़ ली पूरी। हाँ लेकिन अब हाँ अभी देखा ना, इसलिए तो फोन किया था। तो मैं भांजियों का कौन हूँ?